तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। रोहित शेट्टी बड़े लेवल पर सिंघम अगेन बना रहे हैं। उनका प्लान है कि फिल्म को ग्रैंड बनाने में कोई कसर न छोड़ी जाए। पूरे कॉप यूनिवर्स को एक छत के नीचे ला रहे हैं। 30 अक्टूबर की सुबह अनाउंस किया गया कि रणवीर सिंह भी फिल्म का हिस्सा होंगे। इससे पहले वो सूर्यवंशी में भी कैमियो कर चुके हैं। यहाँ भी उनका रोल इसी लाइन पर होगा। मेकर्स ने एक फोटो के साथ ये घोषणा की। उस एक फोटो से इंटरनेट ने हिंट पकड़ लिया है। लोगों का मानना है कि सिंघम अगेन की कहानी रामायण पर आधारित होगी। दरअसल रणवीर वाले पोस्टर के बैकग्राउंड में बजरंगबली नजर आ रहे हैं, उसके चलते ही कनेक्शन निकाला गया। पिंकविला के जर्नलिस्ट हिमेश माकड़ ने बीती 19 जून को ट्वीट किया था कि साल 2024 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक अपने रेफरेंस रामायण से उठाने वाली है। रणवीर सिंह वाले अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने अपने इस ट्वीट को कोट करते हुए लिखा कि अब तो सही गेस करना आसान है। ट्वीट के जवाब में लोगों ने झड़ी लगा दी। अधिकांश लोगों का कहना था कि सिंघम अगेन ही वो फिल्म है। कुछ ने थ्योरी चलाई कि फिल्म में अजय देवगन और अक्षय कुमार को राम और लक्ष्मण की तरह दिखाया जाएगा। वहीं जैकी श्रॉफ और अर्जुन कपूर के किरदार रावण और मेघनाथ की तर्ज पर रचे गए हैं। लंबे समय से खबरें आती रही हैं कि अर्जुन कपूर फिल्म में विलन बनेंगे। हालांकि इस पर अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। इस फिल्म से रोहित शेट्टी अपना कॉप यूनिवर्स बढ़ाने के चक्कर में हैं। वैसे भी अभी फ्रेंचाइजी और यूनिवर्स का ही बाजार गर्म है। दीपिका पादुकोण और टाइगर श्रॉफ इस यूनिवर्स से जुड़ने वाले नए एक्टर्स हैं। दोनों फिल्म में पुलिस वाले बने हैं। बताया जा रहा है कि सिंघम अगेन की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां सूर्यवंशी की कहानी खत्म हुई थी। उस हिसाब से भी जैकी श्रॉफ का रोल फिल्म में अहम हो जाता है। बाकी करीना कपूर सिंघम की पत्नी के रोल में नजर आएंगी। बता दें कि सिंघम अगेन की शूटिंग शुरू हो चुकी है। पहले शेड्यूल की शूटिंग मुंबई के यशराज स्टूडियोज में शुरू हुई थी, उसके बाद हैदराबाद में दूसरे शेड्यूल की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। अक्टूबर के शुरुआत में खबर आई थी कि हैदराबाद में भारी भरकम क्लाइमैक्स सीक्वेंस को शूट किया जा रहा है। इस पर 25 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुंबई और हैदराबाद के बाद सिंघम अगेन को अगले 6 महीनों तक देश के अलग अलग हिस्सों में शूट किया जाएगा। उसके बाद कुछ हिस्से इंटरनेशनल लोकेशंस पर भी फिल्माए जाएंगे। रोहित शेट्टी ने पिंकविला से बात करते हुए कंफर्म किया था कि वो 15 अगस्त 2024 को सिंघम अगेन ला रहे हैं। हालांकि बाद में खबर आई कि पुष्पा 2 भी उसी हफ्ते आने वाली है। मीडिया में खबरें दौड़ने लगी कि सिंघम 3 को बढ़ाकर दिवाली 2024 पर ले जाया जाएगा। मेकर्स ने फिल्म खिसकाने को लेकर कोई पुष्टि फिलहाल नहीं की है। आपके लिए सारी जानकारी जुड़ाई थी हमारे साथी यमन ने। मैं हूं मेघना, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।